छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में विकास को लेकर कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर बघेल ने आम नागरिकों से वन टू वन चर्चा कर विकास के मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर नागरिकों से सुझाव भी लिए। इस दौरान लोगों ने विधायक के सामने पुरानी मांगों को रखा और उनसे जल्द निजात दिलाने की मांग की। आम नागरिकों ने ट्रैफिक समस्या, अंडर ब्रिज, मास्टर प्लान, अवैध शराब बिक्री, मनोरंजन के लिए सर्व सुलभ गार्डन कार्यक्रम के लिए ऑडिटोरियम सहित पीने के पानी, साफ सफाई, विद्युत समस्या, धूल मुक्त हो अपना शहर जैसे कई मुद्दे पर समस्या का फोकस डालने की बातें कही। लोगों ने कहा कि नगरपालिका के द्वारा जो बजट पेश किया जाना है उसमें भी शामिल कर बहुत सी समस्याओं से निजात दिलाया जा सकता है। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष है, इसलिए विकास की राशि की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डोंगरगढ़ से संवाददाता सोन कुमार सिन्हा के साथ नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। आप डोंगरगढ़ के साथ पहले विधायक होंगे जो बहुत अच्छा प्रयास किए, क्या आपके इस प्रयासों से यहाँ की जनता को सफलता मिलेगी इस बार? डोंगरगढ़ का विधायक बनने के बाद हमारे सभी सम्मानीय मतदाताओं से और वरिष्ठजनों से मुलाकात नहीं हो पाती थी व्यस्तता के कारण, और ये प्रयास था कि डोंगरगढ़ के विकास के लिए, नगर पालिका के विकास के लिए हम लोग हमारे वरिष्ठजनों से पूछ के और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छा से अच्छा यहाँ सुविधा हम लोग दे सकते हैं, इसके संबंध में आज हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम रखे थे जिसमें सारे समाज के लोग, सारे वर्ग के लोग, जैसे चलाने वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे हर क्षेत्र में काम करने वालों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, इसलिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विधायक द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें लोगों की समस्याएं और शहर की समस्याओं को लेकर रखा गया, लेकिन बजट जो सत्र है वो निकल चुका है, तो अब इस बैठक का क्या? अभी बजट सत्र सिर्फ 7 दिन के लिए विराम लिया गया है, 16 तारीख से पुनः चालू हो जाएगा क्योंकि अप्रैल महीने तक चलने वाला बजट सत्र है और बहुत सारी प्रमुख बातें हैं जो हमारे डोंगरगढ़ क्षेत्र के विधायक जी विधानसभा में रख रहे हैं और जिला अध्यक्ष महोदय का भी प्रयास हमारे शहर के विकास के लिए सर्वांगीण है। निश्चित ही 5-6 बिंदु है जिस पर मैंने आपको अवगत कराना चाहूँगा, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मुख्य ट्रेनें हो, चाहे गार्डन हो, चाहे यहाँ की सड़कें हो, इनके लिए हमें निश्चित ही बहुत काम करना है जो कि पिछले छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सिर्फ डोंगरगढ़ शहर ही वंचित रहा है, क्योंकि हम आसपास राजनांदगांव में भी जाएंगे, वहाँ भी अच्छा गार्डन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, हमारा डोंगरगढ़ रेफर सेंटर बन के रह गया है, तो इस पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और एक गार्डन बहुत जरूरी है। जो विधायक, कांग्रेस विधायक है, उनके द्वारा कार्यक्रम रखा गया है वो कितना औचित्य है, क्योंकि बजट सत्र निकल चुका है, अब जो है बजट सत्र नगर पालिका का है, आप बताइए। बजट सत्र निकलने के बाद भी नगर पालिका का बजट सत्र बाकी है और नगर पालिका का जो हमारा अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर उपस्थित है, तो हमारी वाणी को, हमारे प्रश्न को उनके सामने रखा गया है, तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका निराकरण होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.